गुजरात गौरव यात्रा पर पहुंचे अमित शाह ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि की अर्पित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव करमसद से की। शाह की ये यात्रा को इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेदी के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अमित शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और पाटीदार समुदाय बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, कहा जीएसटी से बदलेगी देश की तस्वीर। जेटली ने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स के स्थापना दिवस के मौके पर यह बयान दिया है। जेटली ने कहा है कि मौजूदा जीएसटी प्रणाली के तहत कर दरों में कटौती रेवेन्यू न्यूट्रल प्लस की स्थिति के बाद ही हो सकती है। इससे पहले 25 सितंबर को जेटली ने कहा था कि सरकार आर्थिक वातावरण बदलने और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है। आर्थिक नीतियों और जीएसटी को लेकर हमला करने वाले लोगों पर भी वित्त मंत्री ने करारा प्रहार किया। उनका कहना है कि जीएसटी देश की मुस्तकबिल है और आने वाले दिनों में देश की तस्वीर बदल जाएगी। ब्रो जर्नलिस्ट संजय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चमौली स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचे और वहां पर जवानों के साथ झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 8वीं वाहिनी आईटीबीपी परिसर पहुंचे। वहां पर आईटीबीपी जवानों ने सबसे पहले उन्हें सलामी दी। इसके बाद खुद गृह मंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आईटीबीपी जवानों के साथ मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जवान विषम परिस्थितियों में भी हर हालात का सामना करते हैं और इसलिए इनकी चौकियों को सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुप यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के मकसद से बनाई जा रही एक टनल को खोज निकाला है। पाकिस्तान द्वारा ये टनल जम्मू के अर्निया सेक्टर में बनाई जा रही थी। शनिवार को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ जवानों की नजर पाकिस्तान की तरफ चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी। जब बीएसएफ के जवानों ने उस इलाके की तलाशी की तो उस दौरान उन्हें इस टनल के बारे में पता चला। टनल के अंदर जाने पर बीएसएफ को वहां भारी संख्या में खाने पीने का सामान और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बहरहाल जो भी हो, ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान द्वारा देश में बड़े हमले को लेकर बनाई जा रही इस टनल का खुलासा हुआ है और एक बार पाकिस्तान फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिरडी को मिली एयरपोर्ट की सौगात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरडी पहुंचकर किया टर्मिनल का लोकार्पण। साईं बाबा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिरडी में बनने वाला एयरपोर्ट करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए शिरडी के साईं बाबा संस्थान ने दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, जिसके बाद यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए हर दिन करीब 60,000 भक्त पहुंचते हैं और एयरपोर्ट के बन जाने के बाद मुंबई से शिरडी तक की 238 किलोमीटर की दूरी जो 5 घंटे में तय होती थी, अब महज 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ धीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद केएम के एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला प्रकाश में आया है। शनिवार की शाम तकरीबन 5 बजे 7 लोग केएम अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हरीश पाठक के ऑफिस में घुस गए। ये खुद को शिवसैनिक बता रहे थे। अंदर आने के बाद इन्होंने डॉक्टर हरीश के चेहरे पर शून्य लिखने की कोशिश की और उनके साथ बदसलूकी भी की। दरअसल एल्फिंस्टन रोड की दुर्घटना के बाद केएम अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। बदसलूकी करने वाले 7 लोगों में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। 5 लोग फरार बताए जा रहे हैं। शिवसेना के दशहरा रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से तमाम शिवसैनिक मुंबई आते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं में से एक ग्रुप मुंबई के केएम अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को टारगेट करने की कोशिश करने लगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह,
न्यूज नेशन मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में नई करवट, कांग्रेस छोड़ चुके महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे ने किया खुद की पार्टी बनाने का ऐलान। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके नारायण राणे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थीं, लेकिन इन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए राणे ने आज अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। राणे की पार्टी का नाम महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष होगा। आपको बता दें कि राणे कांग्रेस के कुछ आला नेताओं से नाराज चल रहे थे और उन्होंने पार्टी में खुद की अनदेखी की शिकायतें भी की थीं, जिसके बाद दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी हुई और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं। राणे का महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में तगड़ा जनाधार है। उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में वो यहाँ से शिवसेना के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन मुंबई। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मेट्रो का किराया न बढ़ाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि किराया बढ़ाया न जाने से मेट्रो नहीं चल पाएगी। मेट्रो के किराए में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को कल एक चिट्ठी लिखकर किराया कम करने की अपील की, तो वहीं आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने उनकी इस चिट्ठी का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि किराया बढ़ाए बिना मेट्रो को चलाना अब आसान नहीं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 8 साल से मेट्रो का किराया नहीं बढ़ा है, ऐसे में दिल्ली मेट्रो कैसे चल पाएगी। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि 2 चरणों में किराया बढ़ाए जाने की बात कही गई थी। मई में पहले चरण के मुताबिक किराया बढ़ाया गया, जबकि अक्टूबर 10 तारीख से दूसरे चरण के हिसाब से किराया बढ़ा दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन दिल्ली। उत्तराखंड में एक और संत के लापता होने से मचा हड़कंप। महंत मोहन दास के बाद उसी अखाड़े से जुड़े कैलाश मुनि महाराज लापता हो गए हैं। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के कोठारी महंत मोहन दास के गायब होने के बाद अब इसी बड़ा अखाड़ा से जुड़े एक और संत कैलाश मुनि महाराज लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती 28 सितंबर को वो आगरा से किसी परिचित की कार में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली से उन्हें 30 सितंबर को हरिद्वार के अपने आश्रम में पहुँचना था, लेकिन कनखल आश्रम में उनके ना पहुँचने से खलबली मची हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक के बाद एक दो संतों के लापता होने से अब संत समाज को किसी बड़े साजिश की आशंका महसूस हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन। श्रीनगर में मुहर्रम प्रोसेशन को फॉइल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के 13 पुलिस स्टेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज फिर एक बार मुहर्रम प्रोसेशन पर पाबंदी लगाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के 13 पुलिस स्टेशन्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई। हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और साथ ही किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। पिछले 20 साल से सरकार ने मुहर्रम प्रोसेशन पर पाबंदी लगाई है। मुहर्रम के प्रोसेशन को लेकर सभी सेपरेटिस्ट लीडर्स को अरेस्ट या हाउस अरेस्ट रखा गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।